गली में तुम्हारा इंतजार है। अब बुजुर्गों ये बताएं कि हम जोया को और हमजा को घर ले जाए रस्म के लिए आज। जोया आपके साथ चली जाएगी, मैं मुझे एक छोटा सा काम है वो करके शाम को आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अभी वक्त है, शौहर को मुट्ठी में कर लिया तो कर लिया, बाद में पछताओगे। और वैसे किस बात की नखरे कर रहा है वो, हैं? बस अहमियत ही जतानी है। मर्द को बीवी के रूप में भी ना महबूबा चाहिए होती है, और महबूबा ये लहसुन और मसालों की बू में नहीं बसी होती, बल्कि इतर और मेहंदी की महक में बसी होती है। ये चाल उल्टी करने का क्या लेगा? 1,00,000 क्या? तुम्हें पता है डॉलर का क्या रेट चल रहा है? प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। है? मुंह बनाया हुआ है और गुस्से से चिल्लाया भी। हाँ, और पहले सारा दिन घर से गायब रहा, फोन भी ना उठाया, और अब आधी रात को घर से निकल गया। और पता है एक मैसेज आया जिसे पढ़ते ही लटके हुए चेहरे पर रौनक आ गई, मुस्कुराने लगा, और फिर ये जा वो जा। हाय, मैं मर गई जोया। तू क्यों मरे, वरना तो मुझे चाहिए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है तू। मेरी बात सुन, तू ना जाके अपने ससुर से शिकायत लगा। बल्कि नहीं, ऐसा कर, उसके दादा से शिकायत लगा। मैंने देखा है सारा दिन हमजा दादा से डांट खाता था, बहुत डरता है उनसे। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती फरी, दादाजी तो फौरन अम्मी और नानी को बता देंगे, और ना भी बताएं तो एक ही घर में बात छुपी नहीं रहेगी, और अम्मी तो मेरे ही लगते लेंगी कि मैंने एक ही दिन में शौहर को नाराज कर दिया। इसलिए तो तुझे कॉल कर रही हूँ, किसी को तो दिल का हाल बताऊं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। अम्मी कहती है कि हमजा को खुश रखो, वो नाराज हो तो उसे मनाओ। खाला कहती है कि ऐसे वो सर पे चढ़ जाएगा। ठीक, मुझे तो लगता है खाला ठीक कहती है। अब देखना, फिर दोस्त को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चली आई, तेरा वलीमा भी रह गया और अम्मा से भी लड़ाई हो गई। अच्छा था मैं रूठ के मैके बैठ जाती, होश ठिकाने आ जाते इसके। हाँ, शायद तू ठीक कह रही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लगता है हमजा क्या, बाद में बात करती हूँ। शीरी, कोई है? शीरी। नानी मैं हूँ, हमजा। हमजा है? हमजा, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। मैं तो घबरा गई। सलाम नानी। वालेकुम सलाम। रात के इस पहर तुम कहाँ से आ रहे हो? नानी वो एक जरूरी काम था, लेट हो गया, तो जल्दी होना था बस, इसलिए लेट हो गया। नहीं, देर है और यहाँ से आ रहे हैं। वो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, वो नानी उधर का कोई दरवाजा खोल नहीं रहा था, सो गए होंगे ना, तो मुझे इधर से आना पड़ा। क्या उम्मीद खुशबू? नानी ये गेंदे के फूल लगे हैं ना, ये अच्छी खुशबू देते हैं इस मौसम में। अच्छा नानी,
इतनी देर कब से बैठे हैं चाय के लिए? मैंने तो सोचा था आप सो रहे होंगे, रात को 3 बजे तो आपके जवाई वापस आया था। 3 बजे? कौन? एक ही तो है आपके जवाई, नया नकुर। अंडे और खा रहे हैं। दादाजी मैंने ये दो भी बड़ी मुश्किल से खाए हैं। और नहीं पुत्री, फिर दूध भी पीना। मुझसे खाली दूध नहीं पिया जाता, मैं इसमें कुछ मिला लूं? हाँ ते कमरे जाओ, थे वो प्याले में जलेबियां पई हुई हैं। और जलेबी तो दूध दूध का जलेबी खाओ। मैं चॉकलेट मिल्क पी लूं दादाजी। वो चॉकलेट इसकी रखी है। और ओए मक्खियां दादाजी, मक्खियां। ओए मक्खियां क्यों मार रहा है? इधर आ, इधर आ। तेरा नहीं रस्ते, नाश्ता लेके आ। नाश्ता? तो ये क्या था? ओए पूरियां, कुलचे, कचौरियां, निहारी। दादाजी, दादाजी कल कह रही थी पाए खाने का बड़ा दिल करता है इसका, पराठों के साथ। आटे ले गया? जा जा पुत्र, अभी लाया दादाजी। ओ जा जल्दी जा, मेरी तेरा नहीं नाश्ता। दूध ते पी ले, दूध ले। ओ जलेबियां अंदर पई है। दादाजी मैं देखता हूँ। ओ देख, मेरी बात तो सुनो। रात को सुनने लगी थी, तुम ही भाग गए किसी मैसेज के आते ही। हम तुम लोग के लिए कर रहा हूँ यार, और किसके लिए? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे बहला लोगे। शादी के ठीक 1 मिनट बाद से तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। वलीमे पे हराम हो जो फोटोज खिंचवाते हुए तुमने हल्का सा भी मुस्कुराए हो, देखने वाले क्या समझे होंगे। और रात को अल्लाह जाने किसके मैसेज पे मुझे छोड़कर भाग गए। वही तो बता रहा हूँ यार, सुन तो लो। अब फिर कोई मैसेज बुलावा आएगा और भागे जाओगे। कसम खाता हूँ यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे जिस मर्जी का बुलावा है। कसम खाइए, अब तो तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम्हारे सारे गिले और शिकवे दूर नहीं करते। आई नानी। जोया। जी जी आई। सुनो ना, चुप्पी रहे और सुन। क्या सुनूं? कब से आप मुहावरे पे मुहावरा मारे जा रही हैं? साफ साफ बताए ना, हमजा बुला रहा है मुझे, जल्दी करो। हमजा जो है ना, इसके लक्षण ठीक नहीं है। लक्षण? बाजारी औरतों के चक्कर में पड़ गया है वो, रातों को मुजरे पे जावे रात रात तक। नानी को देखा इन आंखों से? क्या देखा है आपने? हाँ क्या देखा, जब आप उसका पीछा कर रही थी जब वो मुजरा देखने जा रहा था। ऐसे दाजेब अल्फाज अपने मुंह पर ना लावे। तो आपने भी तो लिया अभी नाजेब। मैं बच्ची हूँ, चुप करो, सुन इधर, बता दो तुझे कैसे छोड़वाना है उसे। मैं सदके मैं कुर्बान हो जाऊँ अपने पीरो मुर्शिद के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मेरे पुत्र के लिए, उसके होने वाले पुत्र के लिए खास तौर पे चिल्ला काटा है। अब किसी नौसत का साया तुझ पे नहीं है हमसे। मैं भी कुर्बान जाऊं उन पे वैसे। ना ना, तू कुर्बान ना जा, तू हनीमून पे जा। हनीमून पे? हाँ हाँ, तुझसे कहा था ना कि तेरी सलामियों के जितने पैसे होंगे वो अपने हनीमून के लिए बचा ले बस। ठीक, तो फिर बिस्मिल्ला करो। बिस्मिल्ला? मेरा मतलब है हनीमून पे जाने का कोई प्लान वगैरह बनाओ यार। ठीक, मुझे ये बताओ कि सलामियां कितनी इकट्ठी हुई? मैंने जो हिसाब किया डायरी में जो लिखा हुआ था उसके मुताबिक 1,37,500 रुपए बनते हैं, है ना? तो यार ये तो कुछ ज्यादा पैसे नहीं है हनीमून के लिए। ऐसे कर 50,000 रुपए के ना
दुल्हन के नाम प्राइस बॉन्ड ले ले। प्राइस बॉन्ड? वे हाँ, हमसे पीरो मुर्शद ने कहा था कि दुल्हन का पांव बड़ा नेक शगुन है, घर में आएगी हालात ही बदल जाएंगे, तो प्राइस बॉन्ड खरीद उसके नाम, उसका बॉन्ड निकले ही निकले। अबू वो तो जोया पुत्री, जोया किधर है? देख मैं अनार लेके ठंडा था। साल कौन दादाजी? वाले उधर लम किथे? वोटी किथे? वो नीचे गई। हाँ, नीचे गई है? हाँ जी। अभी कल तो नीचे गई थी, आज तो यार उसने हमारी वारी आज। पर नादी देखते हैं माई जड़ी है, इन्हों बिल्कुल भी कोई वो काकी को सौरों के पास रहने दे, कुछ वक्त गुजारने दे, रचने बसने दे, कुल मिलने नहीं, इन्हों माई नो ये जब हर वक्त आवाजें देती रहती, जोया जोया मैं लेके आना। आई कौन लोग ने? ओ दादाजी जाने दे, अब्बा जी लेके आओ लेके आओ। मुझे ये बताओ पुत्र कि अपना दुल्हन रानी को कितनी सलामियां इकट्ठी होगी? काफी हो गई होगी, मैं तो कहता हूँ उसके भी प्राइस बॉन्ड खरीद ले उसके नाम। प्राइस बॉन्ड? वो तो से हालात बदल जाने, अब तेरे मुर्शद ने चिल्ला ही ऐसा काटा है, छिक्के पे छिक्का, छिक्के पे छिक्का। अनार खा, अनार खा मेरा पुत्र, खा ले मेरा पुत्र, खा ले। मत कहे नानी, हमजा इतना बुरा नहीं है। हाँ तो नानी बुरी है, नानी झूठ बोले, ये बताया तो है, गुनाहगार आंखों ने खुद देखा है। हमजा ऐसा कैसे कर सकता है? ये मर्द जात हो गई बदजात, अपने नाना को देखे है कैसे मर मिटे थे उस नाचने वाली पे। इसलिए तुझे समझाया था कि हमजा को अपने पल्लू से बांध के रखियो, भटकने ना दीजियो। अगर उसके जी को ये लटक मटक चमक भावे तो ऐसी रहा कर, ताकि वो उसकी तलाश में किसी के कोठे पे ना चढ़े। ये हो गया नानी, अब मैं हमजा को औरत के चुंगल से कैसे छुड़वाऊंगी? क्या वो कल रात की तरह हर रात उसके पास? किसके पास? धीरे आए कलेजा नोच के रख दिया दाढ़ के। ए मियां, जनान खाने में आने से पहले दरवाजे पे दस्तक देने की जहमत कर लिया करो। ओ पुत्री सच सच बता, ये हमजा क्या कर रहा है? कहां था वो कर रहा? जवान पोते पे नजर रखी होती ना तो मेरी नवासी को ये दिन ना देखना पड़ता है? मैं बताऊं पूरी बात? जोया तो लाज के मारे ये सब बातें अपने जबान पे ना लावे। ओ माई, सलामी के सारे पैसे तो वो फ्रॉडिया ले गया पीर, अपना अमल उल्टा करने के लिए। पता नहीं अब्बा को ये बात कैसे बताऊंगा। कौन सी बात? कौन सी बात? मैं पूछ रहा हूं कौन सी बात? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं आपसे, कौन सी बात? अरे कौन सी बात जो तुम हातिम पैन से छुपा रहे? मैं क्यों छुपाऊंगा उनसे कोई बात? मैं तो कोई बात नहीं छुपा रहा, वैसे भी मैं क्यों छुपाऊंगा, वो तो सब हिसाब लगा के मालूम कर ही लेते हैं। नहीं, मालूम तो मैं भी कर लूंगा, मालूम तो मैं भी कर लूंगा। मैं देख रहा हूं शादी की अगली सुबह से तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं। 12 बजे? कौन से 12 है जो आपको आपको तो यही कह रही थी। और क्या कह रही थी? क्या मतलब? नहीं, ऐसा उसने क्या कह दिया कि तुम्हारे चेहरे की रोशनी और आंखों की रौनक चली गई? रोशनी जी? रौनक? ए रोशनी कौन है? हाँ? रोशनी कौन है? रौनक भाई कौन? अरे बोल दो नहीं, कौन है रोशन भाई? क्या हो गया दादाजी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है तुमने ज्यादा खा लिया, दिमाग को ठंड चढ़ गई। कौन सा बड़ा बाजार? मैं सुबह से घर से ही नहीं निकला। घर से नहीं निकला? अंधी अंधी रात तू आना है कितने? बड़ा बाजार दिन नहीं खुलता,
ओए आदत किने पाई है तुम? ओए बाबाजी क्या बाजी हुआ क्या है बाजी? ओए उठे जानदा और रोशनी भाई यो गाना सुन रहा थे हॉल वाला कुवत किस तरह की बातें कर रहे हैं ये? मैं रोक भी नहीं सकता इसे। कोई सोच क्यों नहीं? मैंने पता सच्चे। ये क्या कह रहे हैं अब्बा जी? ओए बुड्ढे बाजार जानदा गाना सुन रहा मैंने पता। लो हॉल वाला कुवत क्या हो गया दादाजी? ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं अब्बा। अब्बा जी क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं? ओ मैंने दस्या उन्हें नानी माई ने दस्या मैंने। नानी ने? गलत है दादाजी, ये बताने मुझ पर। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी नजर और मेरी आंख धोखा ना खा सके। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे कहाँ था तू? इतनी देर से मैं अकेली दुकान संभाल रही हूँ। आपके घर से आवाजें आ रही हैं। हाँ हाँ वो बहुत पानी की मोटर जो है ना शोर कर रही है, जा मैकेनिक को बुला के ला। अरे नहीं, लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें, मुक्कों की आवाज़ें। क्या तू देख जरा इसे। अरे शीरी तुम यहाँ हो? तुझे घर में शोर कौन कर रहा? मैं तो समझा कि तुम अपने समधियों की मिट्टी पलीद कर रही हो। क्यों मैं पागल हूँ? हटो। तोपा तोपा तोपा, दो दिन नहीं हुए शादी को और अभी से जंग। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जोया अम्मी, मैंने मना किया था ना, समझाया भी था मैंने कि लड़ाई झगड़ा मत करना। सारे मोहल्ले को खबर होगी तुम्हारे झगड़े की, सब लोग बातें बना रहे हैं। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और अभी से तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। ऐसे चलती हैं शादियाँ? मुझे क्यों डांट रही हैं? मैंने तो हमजा से झगड़ा अभी तक शुरू किया ही नहीं, मेरी बारी ही कब आई है? तो फिर ये घमसान का रन किसने मचा रखा है? नानी ने और हमजा के दादाजी ने। वो दोनों हमजा से कबूल करवा के रहेंगे। क्या क्या कबूल करवाना है? यही कि हमजा रात के 2:30 बजे कहाँ से आया था। हमजा रात के 2:30 बजे आया था? मुझे तो ये बताया कि 4 बजे आया था। नहीं अब्बा जी, ये तो वो दूसरी बात कर रहा था, वो नहीं था। और चुप कर लुकमान, मुझे लगता है कि ये चाचा भतीजा मिल के ना, ओए ये हमजे को खराब तूने किया है ना। चल अब सब मेरे पीछे पड़ जाओ। अरे आप लोगों को क्या हो गया, मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? दोस्त की तरफ था मैं, दोस्त के साथ था अपने। दोस्त या सहेली? छेली छेली, क्या 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 हो रहा है ये सब कुछ? क्या रौनकी बाई दा? कौन सी रौनकी बाई दादाजी, क्या हो गया आप लोगों को? मैं कहता हूं अब्बा जी आप लुकमान से पूछें, इसे हमजा के सारे राजों का पता होता है। लाहौल वाला को चाचू को अपनी खबर नहीं है, मेरी क्या रखेंगे? आप लोग अभी बिला वजह मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम इल्जाम, ये जीता जागता सबूत खड़ा है तुम्हारे सामने। ए तुम्हारा क्या ख्याल, मैं झूठी गवाही दे के कब्र में बिच्छू पड़वाऊंगी? बस बस बस, मैं ये कह रही थी तुम। अरे आंटी मेरी बात का यकीन कीजिए। अब मेरा क्यों ना करे यकीन? ओए मेरा खून ही नहीं, मेरा पोतरा ही नहीं। आप टेंशन ना ले बहन जी, मैं मार मार के इसके सारे भूत निकाल दूंगा। एक मिनट, आप सब लोग चुप करेंगे, आराम से बताएंगे मुझे? हाँ बेटा, मुझे तुम ये बताओ, और आप बीच में कोई ना बोले, मुझे ये बताओ तुम रात को 2:30 बजे आए थे, 3:30 बजे आए थे, 4 बजे आए थे या 4:30? मैं आपको वक्त आया था ये अहम नहीं है, कहां से आया था ये पूछो। आओ दास चोए, बड़े बाजार का रास्ता किसने दिखाया तेन? मैं अब्बा जी आपको कह रहा हूं कि ये सब लुकमान का किया तरह है। देखे ना बड़े बाजार का रास्ता यहाँ भाई सही पता है। सुभान अल्लाह, बेटा आपके कारनामे दिखा रहा है, इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं, ये सही है भाई। ओ, क्या हो गया है आप लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्त के घर तो आने से लेट हो गया, राय का पहाड़ बना रहे हैं आप लोग। और ये जो भाई कह रही है रौनक भाई के कोठे से इस उम्र तेन आंदे हुए देखा है, ये झूठ बोल रही है, कब्र में पैर लटके हुए हैं। मगर सवाल ये है भाजी कि ये माई खाला जी इस उम्र रौनकी भाई के कोठे पे करने क्या गई थी? हाँ अम्मा बताए ना, आपसे पूछ रहे हैं। ये मुझे माई कह रहा है? अरे नानी क्या हो गया आपको? आपको याद नहीं आप नमाज पढ़ के उठ रही थी जब मैं आया रात को? आप तो घर पे थी तो आंखों से कैसे देख लिया आपने? तो फिर आंखों से कैसे देखा? वो आंखों से नहीं देखा, नाक से सूंघा था मैंने, नाक की सूंघी भी गवाही है।
एकड़ी गवाही मोतियों के कजरे की महके लपके आवे थे इससे। अरे नानी वो गजरे मैं जोया के लिए लाया था, पूछ ले आप लोग उससे। मुझे क्या ख्वाब आ रहा था? और ये बता छुपा कह रहे थे वो तुम है? जो जोरू के लिए लाए थे तो छुपा क्यों रहे थे? छुपा नहीं रहा था नानी वो। अम्मा जरा नीचे चलो मुझे बात करनी है। नीचे चलती हूँ। मैं ना अम्मा की तरफ से आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। वो इतना कर लेने के मैं भी आप सब से माफी चाहती हूँ। अमी जी चले वो रक्षा आ गए। अरे बताया तो था आपको मैंने। और फिर दोस्त के घर वो मेरे रिश्ते की बात करनी। कैसे बेगैरत हो, तुम्हारी बहन की तलाक हो रही है और तुम्हें अपने रिश्ते की पड़ी हुई है। तलाक क्या किया फरी ने? ये अल्लाह खैर करे, मेरी फरी का घर बसा रहे। मैं तो जोया की बात कर रही हूँ। मोहल्ले की बहन बेटियां भी बहनों जैसी होती है ना। तुम ना अब सुकून से बैठो, वरना शीरी क्या सोचेगी कि उसकी बेटी को तलाक हो रही है और मैं तुम्हारी बारात बैंड बाजे के साथ यहाँ निकाल रही हूँ। अम्मी क्या मुसीबत है यार। मैं भी देखती हूँ कौन मेरे घर में मेरे दामाद की आओ भगत और शान और रुतबे में कमी लाता है। अम्मा तुमने तो कभी परवाह ही ना की, पर अब मैं ये नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ और मुसर्रत के साथ हुआ। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। क्या जरूरत थी शोर मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा करने की? सब दीवार से लगे खड़े होंगे कंसुइयां लेते। नजर तो रखनी पड़ती है ना दामाद पे। अब तेरे और मुसर्रत के मियां पे नहीं रखी तो ये दिन देगा। जोया के मामले में मैं ये लापरवाही ना करूं। क्या हुआ शीरी? मुझसे क्या पूछ रही है, अम्मा से पूछ। ताओ ना अम्मा। मुझसे क्यों पूछ रही है, इससे पूछ। हाँ तुम्हें तो कुछ पता नहीं होता अम्मा, सब किया कराया भी खुद का और पता भी। लगता है बहुत ही वाहियात बात है जो दोनों ने बताई। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब ऐसे आने जाने का किराया लगाओगी तो नहीं हो रही कोई तलाक शलाक। अच्छा अपनी माँ पे एतबार नहीं है ना, तो अपनी सहेली को फोन करके पूछ लो। मुझसे क्यों पूछ रही हो? पूरे 25,000, 3 महीने का एडवांस और 15,000 सिक्योरिटी, शाम तक आ जाएगी। मिल भी गया नहीं किराएदार? हाँ माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको कल सुबह मेरे साथ फिर दोस्त के घर जाना पड़ेगा उसका हाथ पानी के लिए। फिर दोस्त को छोड़ो, पहले ये बताओ ये किराएदार हैं कौन? वो अम्मा छोड़े ना, जाने दीजिए, आपको किराया टाइम पे मिलेगा इस बात की गारंटी मेरी है। वैसे भी आपको किराए से मतलब होना चाहिए। किराए से मतलब होना चाहिए, एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुम्हें, पता तो चले किराएदार कौन है। अल्लाह 2 कमरों में कोई 12 बंदे तो नहीं घुसाने लगे तुम? नहीं नहीं सिर्फ 3 है। अच्छा मियां बीवी और बच्चा? अब बच्चा नहीं है। अच्छा मियां बीवी और माँ? माँ भी नहीं है। बाप? बाप भी नहीं है। क्या एक मर्द और 2 औरतें इस घर में दंगल लगेगा, कौन संभालेगा तुम? नहीं वो 2 बीवियां, मेरा मतलब है कि 2 औरतें भी नहीं है, मतलब उनमें से एक भी औरत नहीं है। हाय मेरी किस्मत, फिर 3 छड़े झांट इस घर में लेके आ रहे, तुम्हें और कोई नहीं मिलता? वो 3ों मर्द भी नहीं है। क्या
जलील करके रख दिया मुझे सबके सामने, इतनी बेइज्जती यार। हाँ वैसे वाकई अब्बू और दादाजी को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपनी नानी का नाम मत लेना, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ ही है, उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी वजह से हुई सबके सामने मेरी बेइज्जती। हाँ पहले तो खानदान और मोहल्ले वाले तुमसे पानी दम करवाते थे, अपने बच्चों के नाम रखवाते थे तुमसे, पहले भी तो दादाजी और अब्बू से डांट खाते थे ना, क्या हुआ जो आज मेरी अम्मी और नानी से पड़ गई? तो पहले अपनी करतूतों की वजह से खाता था जोया, सेल्फ मेड आदमी हूँ, सेल्फ मेड, किसी का किए का क्रेडिट नहीं लेता मैं। और पहले अपनी करतूतों की वजह से पड़ती थी, ससुराल वालों से तो नहीं ना पड़ती थी यार, उनसे तो पहली दफा पड़ी है ना। क्या? तुमने मेरी अम्मी को ससुराल वाले कह दिया? तो तुम्हारे अब्बू दादाजी चाचू सबको अपना समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी अम्मी और नानी ससुराल वाले हैं। लो शामत मेरी आई है, रोना तुम स्टार्ट कर दो, और अब्बू और दादा की तो बात ही मत करो, तुम इतने लाड उठाते हैं वो तुम्हारे, मुझसे ज्यादा अहमियत देते हैं, आगे पीछे फिरते हैं तुम्हारे। अब मुझे किसी ने बेटा क्या समझना है, मुझे तो कोई दामाद बन के इज्जत नहीं दे रहा यार यहां पर। लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है जोया, तुम मुझे चाहती हो ना, मुझ पर एतबार करती हो, तो मुझे किसी से मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। बस तुम्हारी मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए। हमजा तुम रात को कहां थे? रौनक भाई के कोठे पे ना, उनके घुंघरू पॉलिश कर रहा था मैं। ये क्या कर रही है तू? देखो ना जरा, जोया के लिए जो तोहफे आए थे ना, उनमें से ये नीचे पड़ा हुआ था, तुम्हारे बेड के नीचे। हाँ तो मेरे बेड के नीचे क्या कर रही थी तुम? चप्पल ढूंढ रही थी अपनी, और कौन से खजाने दबे हुए हैं वहां पर, तो तुमने उसको ये दिया क्यों नहीं? मेरी मर्जी। अरे वाह, तोहफा उसकी शादी का और मर्जी तुम्हारी, जरूर उसकी किसी दोस्त ने दिया होगा। हमारे खानदान वालों को इतनी तौफीक ही कहाँ, लिफाफे में 500-500 रुपए के नोट रखकर मुंह पर मार देते हैं। ना मैं देख कर आ। हाथ पर रखो मुसरत, जो है उसकी शादी का तोहफा क्यों नहीं दिया, उसकी कोई वजह होगी। तुम ज्यादा सगी मत बनो। मैं सगी ना बन, सगी हूं मैं, सगी खाला हूं उसकी, अम्मा को बताकर आती, जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी जो तुम डंडी मार रही। तो पर वैसे शीरी, बेटी के मामले में भी इतनी नीयत खराब है तुम्हारी। मैं कह रही हूँ सरत, दूर रहो मेरे मामलात से भी और मेरी बेटी के मामलात से भी। खाला हो ना, खाला बन के रहो, माँ ना बनो उसकी। I'm sorry यार, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मेरे साथ भी तो कल शाम को कम नहीं हुई ना, सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। नहीं हमजा तुम ठीक कहते हो, ससुराल में जितना प्यार और तवज्जो मुझे मिलती है तुम्हें भी उतनी ही मिलनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारा ही हौसला है जो इतना प्यार और तवज्जो इंजॉय करती हो। जो दादाजी तुम्हारे साथ करते हैं मेरे साथ करें ना, तो मेरा दम ही निकल जाए। जो है अब्बू भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, कल पूछ रहे थे कि तुम लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हो, टिकट्स मैं बुक करा देता हूँ। हाँ इसलिए कि हम बाय एयर ना चले जाएं, खुद कराएंगे टिकट, वो भी ट्रेन की इकोनॉमी की। वैसे हमजा हम हनीमून पर जाएंगे कहाँ? मुझे ना यूरोप जाने का बहुत शौक है। टाइम क्या हो गया जोया, ऑफिस से बड़ा लेट हो गया, हमें इतना टाइम कैसे लग गया? अच्छा अच्छा मर क्यों रहे हो, शौक ही बताया था, अपना कोई डिमांड तो नहीं की, पता है हमारा इतना बजट नहीं होगा। वैसे कितना होगा हमारा बजट, हम कहाँ जा सकते हैं और कितने दिन के लिए? जो है मुझे लगता है हमें अपनी शादी की तस्वीर ना बड़ी करके यहाँ लगानी चाहिए, ये खूबसूरत लगेगी ना, इस सामने बेड से बिल्कुल नजर पड़ेगी,
अच्छी लगेगी ना। अच्छा ना, मैं पूछ रही थी कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे और कितने दिन के लिए। जो यार, भारी ने कल अच्छा नहीं किया यार, बहुत सदमा पहुंचा मेरे दिल को। अब इस गम की हालत में क्या कोई खाक सोचेगा हनीमून के बारे में? अभी तो सॉरी कह रहे थे कि हाँ, लेकिन सदमा बहुत बड़ा है जोया, वक्त लेगा, रह रह कर याद आता है, रह रह कर ठेस उठती है दिल में। कोई ऐसे करता है दामाद के साथ? कौन सा कोई भाला खींच मारा था, तेरे भले को ही कहा था, उसे भी पता चले कि तेरे आगे पीछे कोई है सवाल करने वाला। ये कोई सवाल था? ना को सूंगा। ए, हो जावे गलतफहमी, अब नानी पे कचहरी बिठाएगी। जिसे तुम गलतफहमी कह रही हो ना अम्मा, वो गलतफहमी नहीं है, तुम्हें दामादों को रखने का सलीका ही नहीं है। मैया, दामाद ना हुआ नस्ली घोड़ा हो गया जो बेदक बेदक जावे, और रखने का भी सलीका सीखना पड़ेगा मुझे। पहले वाले दोनों भी बिदक के ही भागे थे तुम्हारे करतूत की वजह से। अब सारा मलबा बूढ़ी अम्मा पे ना गिराओ। हथेली का छाला बना के रखते हैं वो लोग। अच्छा तो ठीक है, हम भी आंवला समझ लेंगे जो फूट ना बहे ठेस लगने पे। बस बस जोया, अब तो बिल्कुल फिक्र ना कर, अब ये मामला मैं अपने हाथ में रखूंगी। अब हमजा को तुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरे घर में मेरे दामाद की आओ भगत और शान और रुतबे में कमी लाता है। ये तो क्या दामाद की मूरत बना के पूजने का इरादा है? वो भी कर लूंगी अपनी बेटी का घर बसाए रखने के लिए। अरे अम्मा, तुमने तो कभी परवाह ही ना की, पर अब मैं ये नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ और मुसर्रत के साथ हुआ। तुमने तो अपने दामादों को कभी माशकी की औकात ना दी। एक माशकी और दूसरा घसियारा। अब तो नाराज नहीं होना मुझसे? पहले कब था, तुमसे भी नाराज हो ही नहीं सकता जया। आज जल्दी आओगे? खो तो अभी आ जाता। अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने हसीना खाला के यहाँ जाना है। फरी आई ना मैके, उससे मिलने। कभी हमसे भी मिल लो। मिल तो गई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ यार जया, कसम से इससे तो पहले हम मिल लेते थे यार, वो भी ज्यादा खुल के। क्लाइंट है सर, क्लाइंट। जी जी जी, कसम कसम के मेरे नाके, कभी दादा बुला लेते हैं, कभी नानी, कभी अब्बू, कभी आंटी, वो नहीं तो चाचू, वो नहीं तो खाला। पर अब एक नई आइटम आ गई है फरी, तो ले चलो ना मुझे कहीं दूर जहाँ पे पहरे ना हो, सिर्फ मैं और तुम। सच्ची? मुच्ची, जल्दी से प्लान करो ना हमारा हनीमून। शान को बॉस जो है वो बॉस आ गए बुला रहे, मैं अभी करूं, अभी करूं। कैसा ड्राया है, शक्लें देखो। मर जाए तू महबूस पीरो मुर्शिद, मेरे हनीमून के रखे सारे पैसे खा गया। कैसे डालूं जया को, क्या बताऊंगा अब्बा को यार। ये ले बेटा, कबाब भी खाओ, खाओ ना, खाओ 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 खाओ। हलवा भी चख लो बेटा, बड़ा मजे का है, खाओ। खत्म करो। अम्मी आप इसे क्यों रोके हुए, नीचे ऊपर सब परेशान हो रहे हैं। हम परेशान ना हो गए, चेहरा देखो, इतनी सी शक्ल निकल आई है, आंखों के नीचे हल्के और रंग पीला फटक हुआ, और तीनों के तीनों सहमा के रखा हुआ है बच्चे को। तौबा, ये जूस पी लो फिर चले जाना। चाय के बाद जूस? चूरन चटवा दूंगी, जरा सा सब हजम हो जाएगा। चलो ऊपर, बस कर दे अम्मी, क्यों ठुसवा रही है, हलक तक फट जाएगा। तौबा है तौबा, भाई तबाही बके जा रही है,
मजाजी खुदा के सामने इस तरह की बात करते हैं, तमीज नहीं है। हमजा हमजा इसे माफ कर दो, इसके मुंह के आगे तो खंदक है, इसकी बात को दरगुजर कर देना, बस नजरअंदाज कर देना बकवास समझ के। ये क्या कर रही है अम्मी? जो है आपकी बेटी है तो मेरी भी, अरे मेरा मतलब है मेरी मुझे भी अजीज है। अच्छा अच्छा बुला रहे? हाँ 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 घर के किसी कोने में तो सुकून से रोने दिया करे, जहां देखो जब देखो दंदनाते घुस आते हैं। रोता कौन सुकून से है? सुकून चला जाए तभी तो रोना आता है। मुझसे तो चैन सुकून आराम खुशियां सभी रूठ गई। सच मुझ जैसा बदनसीब पूरी दुनिया में और कोई नहीं। आप मुझे देखिए। क्यों? आपको देख के मेरी बदनसीबी खुशनसीबी में तब्दील हो जाएगी? मेरा मतलब है आप मुझे देखेंगी तो आपको हौसला होगा कि आपसे ज्यादा बदनसीब भी कोई है दुनिया। कोई मुकाबला चल रहा है यहाँ? वैसे गुस्ताखी माफ, पूछ सकता हूँ किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, किसने ठुकराया तेरा प्यार? आखिरी बार दिल किसने तोड़ा ये तो ठीक से याद भी नहीं। रोज टूटने वाली चीज का हिसाब किताब कौन रखता? मतलब लाइन लंबी है। खैर तेरी जिंदगी में तो एक ही बार बहार आई, वही मुस्तकिल खिजां बन के रहे। अब तो मैंने जिंदगी की किताब से मोहब्बत का हर सफा फाड़ के फेंक दिया। किताब कहाँ रही होगी? मेरी जल्द ही बची होगी। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। तो अभी दोबारा इतना नहीं खाना था ना, जब पेट भर गया था तो? कैसे ना खाता, दादाजी मुझे ना खा लेते। तो उनको बता देते कि तुम नीचे से अभी इतना ठूस कर आए हो। मैं कहने लगी तो मुझे भी रोक दिया। कैसे कहता? अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे लिए खाना बना के बैठी होती वो भी भूखी, और मैं आके कहता मैं दोस्तों के साथ खाए हूं, तो तुम क्या करती? मैं तुम्हारा हशर कर देती। एग्जैक्टली, अब्बू और दादाजी भी मेरा हशर कर देते। अम्मी को बनी क्या, इतना लाड कहाँ से आ गया उन्हें एकदम? उन्होंने मेरी बात को सीरियसली ले लिया ना। मैंने उनसे कहा था कि आप लोग हमजा से उतना प्यार नहीं करते जितना दादाजी मुझसे करते हैं। अब भुगतो, मैं भी तो रोज डबल डबल नाश्ता करती हूँ दादाजी की वजह से। जोया अगर ऐसे ही रहना तो खुदा ना खास्ता तुम्हारा ख्याल सच हो जाना है, हम दोनों फट जाएंगे खा खा के। हमजा मैं तो खुद घबरा गई हूँ, बस तुम जल्दी से मुझे कहीं ले जाओ, और हाँ 2 हफ्ते से कम का प्लान ना बनाना। मैं मर गया, मेरा पेट। एक मिनट, ये तुम हनीमून वाली बात पे हर बार बात क्यों बदल देते हो? चक्कर क्या है? सच बताओ मुझे। सच से बताओ? हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है, हम इतने खर्च हो गए, अबू को बता नहीं सकता क्या खर्च हुआ, अगर बता दिया तो हम दोनों खर्च हो जाएंगे। हाँ? प्रेम गली।